आ चुके हैं पेट्रोल डालने बाइक में। उसके बाद हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रामनगर। हम जा रहे हैं रामनगर। गाइस अब निकल रहे हैं हम रामनगर को, कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था अचानक, तो जा रहे हैं हिमांशु और मैं रामनगर के लिए। इसका ब्लॉग गाइस हम रामनगर को जा रहे थे, हमें बीच में एक देखने को चीज मिली बहुत खतरनाक, तो आज में पता चला कि व्लॉगरों का कितना क्रेज है। वो देखो गाइस अमित बिस्ट व्लॉग, आपका धन्यवाद उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा काम करने के, लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और इस साइड भी उस साइड भी, तो भाई ने बहुत खर्चा करा हुआ है। अभी हम इसके सब्सक्राइबर चेक करते हैं और आपको बताते हैं इसके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो कितने और इस भाई के मैं सब्सक्राइबर देखता हूँ पहले कितने हैं, जिस भाई ने इतना खर्चा करा हुआ है। तो भाई का चैनल मैंने खोल दिया है, तो भाई के 4.6K सब्सक्राइबर है, 4600 सब्सक्राइबर भाई के हैं। और भाई का पोस्टर, भाई इतने बड़े तो हल सौरभ जोशी के पोस्टर नहीं देखे मैंने आज तक यार, नंबर वन ब्लॉगर होने के बाद। हमारे फिर भी 10K है यार। भाई का देखो यार रौला, भाई भाई ने कैसा खर्चा कर रखा है, मानना पड़ेगा भाई को। कितने का बना होगा ये पोस्टर? तो हमारे भी गाइस 3 चैनल तो हम भी चला रहे हैं, एक में 10K है, एक में 6K है, एक में 3-400 है, हमने नहीं बनवाया आज तक। कितना खर्चा होगा इसका ब्लॉग ये पोस्टर बनाने में? कम से कम 10-15 हजार रुपए का है ये, आगे से ही पीछे भी। क्या बात कर रहा है? हाँ पूरा लोहे से बना हुआ है भाई मेरे, वो इस साइड भी है इस साइड भी है, खाली ये पोस्टर ही जो है ना, कम से कम इसका ये जो मैं छोटा सा क्लिप पूछी थी एक बार ब्लाइंड वेल के लिए, तो 150 रुपए की बनी थी मुश्किल से इतनी सी सब। और ये भाई की तो बहुत, मेरे ख्याल से 10 हजार का एक साइड का, 10 हजार का एक साइड का होगा, 20 हजार रुपया भाई ने मेरे हिसाब से खर्चा करा हुआ है। और अभी किसी खेत में लगाया हुआ है, हो सकता है उसको भी पैसे पे कर रहा हो ये। ना यार वो तो किसी और का लोहा है, वो आज का थोड़ी ना लोहा। तो किसी का खेत में तो लगा रखा है ऊपर से, अब पता नहीं मेरे मेरे अंदाजे से 20 हजार का भाई ने पोस्टर ये लगाया, अब हो सकता है आगे भी लगाए हों, ये मेरी नज़र चलते चलते सब पड़ चुकी, अभी आगे भी देखते हैं क्या पता और लगाए हों। और ये भाई कहाँ के रहने वाला है, इससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं एक बार। भोपाल, अबे वीरेंद्र सिंह नेगी आपका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर, वीरेंद्र सिंह नेगी भोपाल महाप्रदेश। ये देखो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, और भाई ने 2-3 मंदिरों की फोटो लगाई है, एक तो हमारा गर्जिया मंदिर है। आपका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर वीरेंद्र सिंह नेगी भोपाल मध्य प्रदेश। खाली कुछ भी कुछ भी, मतलब बकचोदी है तो खाली एक गर्जिया मंदिर की फोटो लगाई है भाई ने हमारे, मतलब यहीं आसपास का कहीं का है, रामनगर साइड का है भाई, अंदाजे से गर्जिया मंदिर रामनगर का माने जाना मंदिर है। चले फिर अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओके और ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल गई आज। तो गाइस फाइनली रामनगर पहुंच चुके हैं, एक हमारे फ्रेंड आ रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं, और पीछे है मंदिर, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ का ही है वो मंदिर, भोलेनाथ का है। बताओ ये कौन सा मंदिर है? आई थिंक भोलेनाथ, त्रिशूल जो होता है भोलेनाथ का ही होता है ना। तो ये है भोलेनाथ का, वो त्रिशूल भोलेनाथ के पास ही तो होता है, पर भोलेनाथ का झंडा भी लगा हुआ है और त्रिशूल भी है, तो भोलेनाथ का मंदिर बोलेंगे उसको, जय भोलेनाथ। तो गाइस ये जा रहे हैं हम संजय भाई के होटल जहाँ वो करते हैं जॉब, अभी दिखाते हैं आपको उनसे, काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं, लास्ट हम तभी मिलते हैं इनसे रास्ते में, मतलब जब भी रामनगर से आना या जाना हुआ तो एक बार इनसे जरूर मिलते हुए जाना हुआ। और ये मुस्कुराते हो आ गए। हेलो संजय दा, कैसे हो? बढ़िया। हेलो संजय भाई, हाउ आर यू? बढ़िया यार, तुम बताओ और कैसे चल रही है जॉब? अरे बहुत ऑसम चल रही है यार, ऑसम चल रही। तो ये है संजय भाई, लास्ट टाइम तब मिले जब रामनगर से हल्द्वानी को जा रहे थे, आज फिर मिल चुके हैं।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:30 और सोना टाइम हो चुका है और आज का व्लॉग हम ही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय।